हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस यार देखो, आज हम खेल रहे हैं एविल लैन। जैसा कि तुम्हें पता है यार, पिछली बार हमने कर लिया था ओके, तो हमने किया था बैलून स्केप, एंड इस बार करने वाले हम सीवर स्केप। फिलहाल यार एविल लैन को तुमने बुला लिया, बट यार वो पीछे देखे तब ना। ओके गाइस, तो दोबारा से हम वही ट्रिक फॉलो करने वाले हैं जो हर बार करते हैं, एंड उसने हमें देख लिया। अब हम यहाँ से निकलना है, पता नहीं कैसे निकलना, बट यार निकलना है। जब वो आती है अपने आप को अलग ही डरने लग अपने अपने को यार अलग ही डर लगने लग जाता है। फिलहाल हम यहाँ से निकलेंगे एंड इस डोर को यार बंद कर लेते। वाह, तो यहाँ पे इसने यार पेंटिंग कॉम्पिटिशन भी करवाया था। बहुत प्रोग्रेस में है यार स्कूल, स्कूल का प्रोग्रेशन समझो बहुत हाई चल रहा है। ओके, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी लानी है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे इलेक्ट्रिसिटी केबल यहीं कहीं तो रहता है, बट हाँ शायद सिलेंडर ड्रॉर्स में रहता है, किसी में तो रहता है, बट यार किस में रहता है वो मुझे याद नहीं है। ओके, तो ये रहा स्मॉल केबल। ओके, तो हमें इसे ही लगाना, जल्दी लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाते हैं, एंड फिर शायद से हमें नीचे भी जाना है। इस वाले बटन को प्रेस करते हैं एंड यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि अपने पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है। ओके, तो फिलहाल वो आ तो नहीं रही है। ओके गाइस, पता नहीं यार ये म्यूजिक कहाँ से चालू हो गया। मैं तो यार आराम से जा रहा था यार, पता नहीं यार कैसे। ओके, तो यार वो बगल वाले रास्ते में थी, अपने पास यार बहुत टाइम था यहाँ से निकलने का, बट यार मैं भी ऐसा चाहिए पागल ही हूँ यार, अपने पास टाइम और मैं वहाँ से निकल जाता यार इजीली, बट यार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके ओके, तो हम यहाँ से इजीली यार बुद्धू बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसे फंसाते हैं एंड इसे पागल बना देते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। ओके, तो यार इसे नहीं, इसके सामने द डोर को शायद से क्लोज करूँ या ना करूँ समझ में नहीं आ रहा। ओके गाइस, तो अब टाइम आ गया स्क्रू बार को उठाते हैं। फिलहाल गाइस मैं वहाँ बाहर गया था यार स्क्रू बार को हिलाने के लिए, क्योंकि यार वहाँ पे तो मैं याद होगा वुडन प्लैंक्स होते हैं। ओके, तो यार पता नहीं यार ये हमें देखते और से अलग ही तरह का झटका क्यों लग जाता है। ओके गाइस, तो शायद से वो आ रही है या नहीं आ रही है, मुझे पता नहीं। ओके, तो फिर दोबारा झटका लगा। ओके, तो यार मैं तुम्हें ये कह रहा था कि कुछ याद हो ना हो यार तुम्हें, इन जो टनल्स हैं उनके रास्ते तुम्हें याद रहने चाहिए। ओ शिट यार, फालतू में तो साउंड कर दिया, शायद से एविलन यहाँ भी आ सकती है। मुझे लगता है मुझे डोर बंद कर देना चाहिए था। ओके, तो यार तुम्हें टनल्स याद हो गए ना, तुम्हें इजीली तुम कहीं भी निकल सकते हो। अब मुझे यार जाना है उस यार चेंजिंग रूम में, अपने चेंजिंग वाले साइड में। तो ये देखो, इस वाले टनल्स के तुम बाहर निकल सकते हो। बेसिकली यहाँ साउंड हुआ था एविलन यहाँ पे आएगी, बट यार उसके आने से पहले यार मुझे जो नेल्स होते हैं उन प्लैंक्स में जो लगे हुए रहते हैं उन्हें हटाना पड़ेगा। और फिलहाल इस डोर को बंद करते हैं फॉर सेफ्टी, एंड अपने यार इस डोर के अंदर घुस जाते हैं। इस डोर नहीं यार, इस वाले बाथरूम के अंदर घुस जाते हैं, जिम रूम के बगल वाले बाथरूम में, एंड इन्हें हटाते हैं। शायद से इन्हें सुलभ शौचालय कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। ओके ओके, तो अब यहाँ से निकल कर बस यार एविलन कहीं से ना जाए, इसे हटाते हैं एंड यहाँ से निकल लेते हैं। ओके, तो शायद से हमें सीवर स्केप करना है, तो यहाँ पे जितने भी वाटर्स पड़े हुए हैं, वाटर्स बह रहे हैं, पानी बह रहे हैं, तो उन्हें शायद से हमें ड्रेन करना है। फिलहाल हम ड्रेन कहाँ से करें वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल हमने साउंड किया, फटाफट हुक उठाते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं बाहर। वेट, कहीं से एक बार चेक कर लेता हूँ कि यार वो नन तो नहीं आ रही। फिलहाल वो आ रही है, तो यार तुम्हें देखेगी नहीं बिल्कुल ही यार, सीधा तुम्हारे पर गाड़ी चढ़ा देगी। सच्ची मुझसे यार गाड़ी चलाना छोड़ो, गाड़ी का हैंडल ही पकड़ना नहीं आता, उसे सामने कुछ दिखता ही नहीं है समझो। ओके, फिलहाल इनसे बहुत दिन से नहीं मिला है, मिल लेते हैं। हेलो हेलो बोलने पे भी कोई रिप्लाई नहीं मिला, उल्टा यार इन्होंने खिड़की बंद कर दी अपनी। ओके, शायद से ये फर्जी आदमी है, पिछली बार इन्होंने स्केप किया था, बट यार फिर लन ने थॉर के हैमर की तरह अपना हैमर फेंक के यार इसे वापस खींच लिया। ओके गाइस, और एक तो शायद से यार यहीं पर रहता है, ये रहा चेंजिंग रूम के बगल वाले जो ये प्ले ग्राउंड है उस वहीं पर रहता है ये, और एक शायद से गाइस यहीं पर होना चाहिए एक और, जहाँ तक मुझे याद है। लाल जी डोर को बंद ही रखते हैं एंड नहीं यहाँ पे ये रहा। ओके, वाटर कंट्रोल लेड, तो इस स्टॉप कॉक्स को यार बंद करना है फिलहाल फॉर सेफ्टी। इस डोर को बंद करते हैं एंड शायद से इस चेंजिंग रूम के जो इस साइड जो बीच वाला है शायद इस यही बाथरूम के अंदर रहता है, फिलहाल वो आ तो नहीं रहे। ओके, तो वो नहीं आ रहे, तो फिलहाल अपना जो स्टॉप कॉक उसे बंद करते हैं। ऑलमोस्ट 4 के 4 स्टॉप कॉक्स यार हमने क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे भी वही लिख के आ रहा है एंड हमें जाना है यार सीवर्स की तरफ। ओके, तो ये टनल बेसिकली हमारा सीक्रेट टनल है जिसके थ्रू यार हम आ जा सकते हैं। ओके गाइस, जैसा कि तुम देख सकते हो अपना यार सीवर स्केप बहुत ही ईजली हो जाएगा। शायद से हमें वहाँ पर नहीं जाना है, शायद से आगे वाले पाइप के नीचे से जाना है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि यार गैप तो वहीं पे है। लाल अपना क्रोबार उठाते हैं एंड यहाँ से नीचे क्राउच करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो गाइस वो तो आ तो नहीं रही है। फिलहाल यार इस बार हम 100 IQ वाला गेम प्ले खेलेंगे, समझ रहे हो यार, 100 IQ।
हम 100 IQ तो नहीं कहेंगे, पता नहीं जो भी कहेंगे। फिलहाल यार साउंड ऊपर करेंगे और काम नीचे करेंगे। तुम सोच रहे हो कैसे? तो यार जितने भी अपने फालतू सामान हो पहले जाके ऊपर ड्रॉप करेंगे, एंड फिर जितना भी हमारा काम का है उसे यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके तो एविलन वैसे में यार ऊपर ही ढूंढते रह जाएगी हमको, और उसके बाद हम इजली यार स्केप कर लेंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा। ओके गाइस, तो मुझे लग रहा था इलेक्ट्रिसिटी पैनल में हमें एक और स्मॉल केबल डालना, बट यार ऐसा नहीं है। चलो बढ़िया है। और फिर यहाँ पे तो अपने काम कुछ भी नहीं मिलने वाला इन लॉकर्स में। ओ भाई साहब, कुछ नहीं मिला तो कम से कम ये चिल्लर लाओ यार, करोड़ोंपति बनाओ। ओके तो हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। शायद से मुझे लग रहा है ये हमें अपने उस वाले टनल पे ले जाएगा जो हमने गेम के स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ से यार हम स्केप करके निकल जाते हैं हर बार वही ट्रिक यूज़ करके। तो शायद से वहीं ले जाए, क्योंकि वहीं पे मैंने एक देखा था कुछ वुडन प्लैंक, वुडन या वुडन यार बड़े से यार ब्लॉक से टाइल्स की तरह उससे यार ब्लॉक किया हो रहा था बस। और फिर शायद से यहाँ पे गैप है, यहाँ पे एक स्विच मिसिंग है, तो हमें वही स्विच ढूंढना है। बट यार स्विच मिलेगा टेबल्स में ऐसे ही पड़ा होना चाहिए, बट यार ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खुलेगा नहीं यार, ये पैनल बिल्कुल नहीं खुलने वाला है लॉकर के अंदर। जी नहीं, लॉकर के अंदर बिल्कुल नहीं है, एंड इसके अंदर भी नहीं है। फिलहाल वो हमें मिले हैं कहाँ वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। और फिर ये अपने किसी काम का नहीं है, यहाँ पे अपना कुछ भी नहीं मिलने वाला। लिटिल लॉकर, उसके अंदर भी कुछ नहीं है। ओके ओके, तो अभी सब अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। ओके उस साइड अभी मैंने जाने वाला हूँ, वहाँ पर अभी मैं बिल्कुल ही चेक नहीं करूँगा। फिलहाल गाइस यार इस पानी में मैं तुमने गौर किया होगा, एक मगरमच्छ है। मगरमच्छ तो यार मगरमच्छ। ओके तो गाइस अब मैं सोच रहा हूँ कि अपना ये क्रोबार है वो अभी फिलहाल अपने किसी काम का नहीं है। तो यार मेरे दिमाग में जो पहले प्लान आया था, मैं ऊपर साउंड करूंगा नीचे अपना काम करूंगा। तो फिलहाल मैं क्या करूंगा यार, अपना क्रोबार यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, एंड एविलन यार हमें ऊपर ही ढूंढते रह जाएगी, एंड हम अपना काम नीचे इजीली कर लेंगे। ओके गाइस, तो ये हमारी स्ट्रेटजी है, समझ रहे हो, स्ट्रेटजी। ओके तो शायद से वो अभी तो नहीं आनी चाहिए, फिलहाल वो दिख नहीं रही है। ओके गाइस, तो यार अब टाइम हो गया स्विच को इस वाले कंट्रोल पैनल में लगाने का, क्योंकि यार ये ऑन होगा तभी यार जाके हमारा आगे का जो प्रोसेस है वो होगा। फिलहाल तो हमें पता नहीं है यार हमारा क्या प्रोसेस है। वाह, ये पड़ा अपना कॉग, शायद से कॉगविल कहीं तो लगाना है, बट यार कहाँ लगाना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल इसे साइड ही रखो। ओके काइस, तो अब यार मैंने कॉगविल साइड में रख दिया, एंड ये रहा अपना स्विच। तो इसे उठाते हैं एंड वो जो पैनल है वहाँ पे लगाते हैं बिना किसी देरी के। और फिर यहाँ पे तो वेट, यही पैनल था शायद से। नहीं 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 यार, ये तो नहीं था, नहीं ये भी नहीं, वो वेट वेट उसके आगे वाले पैनल पे मैं लगाना था। ओके तो हमने स्विच ऑन कर दिया। ओके बाय प्रेसिंग द बटन यू हैव ओपन द डोर एंड इफ वाट एंड द वाटर लेवल्स हैज ड्रॉप्ड। ओके यार एविलन सच्ची में खेल खेल के यार बहुत ही ज़्यादा डर गया हूँ, सच्ची बता रही। ये गेम यार मुझे एमिली वांट्स टू प्ले से भी ज़्यादा यार डरावना लगता है, सच्ची बता रहा हूँ। जब वो आती है और जिस तरह का वो घूस बम्स देती है, वो नेक्स्ट लेवल है ब्रो, नेक्स्ट लेवल। वेट, हमें यहीं पे शायद से कॉग लगाना है आई गेस, आई सीरियसली डोंट नो। वेट, यहाँ पे वेट, हम शायद से एक ब्रेक लूज है तो वो शायद से हम क्रोबार से हटा सकते हैं। मैं ऐसे तुक्का मार रहा हूँ, मुझे सीरियसली पता नहीं है। ओके ओके, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है। वाह, तो यार ये मगरमच्छ नहीं है यार, ये तो जू से भी, जू में जो मगरमच्छ रहता है तो उससे बड़ा है। ये क्रोकोडाइल को यार, ये क्रोकोडाइल भी नहीं है, ये मगरमच्छ है बहुत बड़ा सा। चलो इसे हटाओ। ओके कैश, तो मैं यहाँ बाहर आ गया हूँ, एंड यहाँ पे मुझे ये कैनिस्टर मिला, शायद से इसे यहीं पे प्लेस करना। ओके 4 कैनिस्टर एंड शायद से कुछ मीट का पीस जो हमें खिलाना है, शायद से क्रोकोडाइल को फीड करना। वेट, हम उस यार जो भी था उसे टर्न नहीं कर सकते। ओके कैश, तब मैं लेके आ गया अपना कॉगवील। तो अब कॉगवील को शायद इससे हमें वहाँ पे लगाना है, आई रियली डोंट नो अबाउट दैट, बट यार देखते हैं, शायद उसके बगल जो डोर है वो खुल जाना चाहिए। ओके तो क्रोकोडाइल मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। ओके कैश, तो अब यार टाइम आ गया है। ओ भाई साहब, यार ये तो कुछ यार बहुत गंदा रहा साउंड हो गया। फिलहाल यार क्रोकोडाइल जस्ट हमारे पीछे था। ओके लाल, बस हम यही चेक करना है कि एविलन है, आ रही है या नहीं। फिलहाल वो आ रही होगी तो यार अपने लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यार वो हमारे पीछे ऐसे पड़ेगी जैसे यार बिल्ली चूहे के पीछे पड़ती है, एंड डॉगी बिल्ली के पीछे, कुछ वैसे सीन हो जाता है। एंड ये रहा हमारा वाटर कैनिस्टर, तो इसे जल्दी से जाते हैं अपने उस राफ्ट पे लगा के आते हैं।
ओके गाइस, तो अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो अब इसे भी जल्दी से प्लेस कर लेते हैं। 2 out of 5 आइटम प्लेस्ड एंड शायद और 2 कैनिस्टर लगाने हमें, एंड शायद वो आखिरी मीट का पीस हमें मिल जाएगा जिससे हमें क्रोकोडाइल को फीड करना। ओके गाइस, तो अब यार पता नहीं यार मेरा वॉइस क्यों डिले हो रहा है। एंड ये रहा एक और कैनिस्टर, तो यार मैं दूसरे साइड से यार इस वाले टनल में मैंने चेक नहीं किया था। ओके तो इस वाले टनल में मुझे मिला है कैनिस्टर, तो मैंने ऑलरेडी उठा लिया है। और फिर ओके तो यार क्रोकोडाइल मुझे दिख नहीं रहा है इस साइड। ओके गाइस, तो अब हमने यार 5 out of 3 नहीं 4 out of 3 कैनिस्टर्स प्लेस कर दिए। ओके गाइस, तो अब यार इस वाले टनल में मैंने चेक नहीं किया था। फिलहाल मैं बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ मुझे ये समझ में नहीं यार। फिलहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओ भाई साहब, ये तो खुद यार क्रोकोडाइल के ऊपर यार हम चलते चलते आ रहे थे, मुझे पता ही नहीं यार अपने साथ अलग ही स्कैम हो गया। ओके गाइस, तो यार ये शायद से सो रहा है और मैं क्रोबार लेके तो आ गया हूँ, बट यार कहीं साउंड होगा ये उठ गया तो अपने लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके शायद से ये उठना तो नहीं चाहिए, चलो रिस्क ले ही लेते हैं, इसे हटाते हैं। शायद से उठ चुका है एंड यहाँ से वो जा भी चुका है, ये तो अपने लिए प्लस पॉइंट हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। अंदर शायद से कुछ पेंटिंग्स दिख रही हैं, बट यार उनका क्या करना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके गाइस, तो यार मुझे समझ में आ गया करना क्या है। सिंगिंग फिश ट्रॉफी हमें लेके जाना है एंड वहाँ पे लगाना है। ओके गाइस, तो मैं सिंगिंग फिश ट्रॉफी लेके आ गया हूँ। ओ भाई साहब, ये तो यार इतना गंदा हो नॉइज यार करता है यार, कोई भी इरिटेट हो जाएगा इससे यार, कीड़े मकोड़े तक इरिटेट हो जाएंगे। ओके शायद से कुछ कर तो रहा है, ये हरकत में आ गया शायद से, वेट वेट रुको, कुछ तो कर रहा है बट यार क्या कर रहा है वो मुझे समझ नहीं। भाई साहब, इसके पास तो यार कुछ ज्यादा ही एनर्जी है। जिस फोर्स से यार इसने दीवार तोड़ा, उस फोर्स से यार ये हमें अगर टक्कर मारे तो यार हम तो जिंदा ना बचे। ओके कोलैप्स्ड वॉल, यार इससे फांद के जाते हैं एंड इसके आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे मुझे वो समझ में नहीं यार। ओके तो हमें क्राउच करके आगे बढ़ना है एंड 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 ये पेंटिंग्स बनी हुई है, मुझे तो यार सच्ची में कुछ समझ में नहीं आ रहा यार इनका करना क्या है पेंटिंग्स का। यार कुछ क्लू या हिंट तो दे दो। ओके गाइस, तो मुझे कुछ हिंट क्लू कुछ तो नहीं मिला, बट यार ये कैनिस्टर मिल गया। तो इस डोर में जो वुडन प्लैंक लगा हुआ था जो इस डोर को ब्लॉक करके रखा था, मैंने उसे हटा दिया एंड ये डोर अपने लिए खुल गया। तो अब गाइस हमने यार 4 out of 4 ये कैनिस्टर्स लगा दिए एंड शायद से 5th आइटम, ये पता नहीं है मीट हमें कलेक्ट करना है या कुछ और है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल एक ही आइटम बाकी है स्केप करने के लिए। ओके तो अब शायद से वही कलेक्ट करना है। ओके गाइस, फिलहाल विलन तो मुझे कहीं दिख नहीं रही है, हमने यार अभी तक बहुत हरकत कर दिया, मुझे लगा था कि अब तक वो आ जाएगी, बट यार अपना स्ट्रैटेजी काम कर गया। सोच रहे हो यार हमने काम नीचे किया बट यार नॉइज ऊपर किया, स्ट्रैटेजी यार बड़ी बहुत ही यार दमदार स्ट्रैटेजी है। तुम भी अपनाओगे तो यार ये स्केप बहुत इजीली हो जाएगा। और फिर ये हमारा रहा पैटर्न, बॉक्स वाटर ट्रॉफी विंग्स। ओके ओ भाई साहब, पता नहीं यार कैसे अचानक से हार्ट बीट बढ़ गया मेरा, एक बार इधर चेक कर ही लेता हूँ, हार्ट बीट बढ़ गया। ओ भाई साहब, इस बार यार गजब हो गया, इस बार हमारा कोई भी स्किप का आइटम ग्लिच नहीं हुआ, इस बार यही ग्लिच हो गई। ओके गाइस, तो यार हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे फिलहाल करना क्या है वो मैं समझ गया हूँ। यार देखो यहाँ पे जितने पेंटिंग्स बने हुए हैं उनको हमें अरेंज करना एंड ये नंबर ढूंढना। देखो जैसे कि यार ये क्रेट बना हुआ है, क्रेट आई गेस, हाँ ये बॉक्स बना हुआ है, देखो ये गेस करना है, गेस नहीं यार ये हमें देखना है, बॉक्स वाटर एंड ट्रॉफी विंग्स। ओके तो ये था पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे ट्रॉफी बना हुआ है एंड अब हमें ढूंढना है विंग्स। अब देखो ये वाटर बना एंड विंग्स शायद से यहाँ पे है। ओके ओके तो ये रहा विंग्स, 5 6 एंड ये रहा 8, 5 6 8 7। ओके तो मुझे कोड मिल गया, जैसा कि तुम देख सकते हो सारे पैटर्न एक दूसरे के साथ मैच करें। यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे तो मैं वहाँ पे एक बार तो यार ये जो साइड में जो हैंड का सिंबल रहता है उसे क्लिक, उसे प्रेस करके तो मैं क्लिक करके देखना ही पड़ेगा, तभी तो मैं कोड पता चलेगा। अपना कोड यहाँ पे 5 6 8 7 आई गेस। ओके गाइस, तो अब टाइम आ गया कोड एंटर करने का, ये रहा 5 एंड 6 एंड 8
ओके एंड सेवन, अब शायद से खुल जाना चाहिए। ओके गाइस, तो अपना डोर खुल चुका है। ओके गाइस, अब देखते हैं हम यहाँ पे काम लगा। चिल्लर लाओ यार, हमें करोड़पति बनाओ। और उसके, ओ भाई साहब, ये कॉलर से शायद से हमें उसको रुको डायल को पहनाना, बट यार उसे हम पहनाएं कैसे? और मैं तभी से सोच रहा यार उससे हमें कोई मीट का पीस देना है यार। अब तो यार चुल्लू भर पानी तो मिलेगा नहीं, उससे बढ़िया क्लोजेट के अंदर ही बंद होके खुद मर जाओ। ओके गाइस, तो अब यार अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इस क्लोजेट के अंदर क्यों छुपा, पता नहीं यार मुझे अब पता नहीं क्यों एविलन के फुटस्टेप्स आ रहे थे। ओके तो अब यार ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी टास्क होने वाला है। उस एलिगेटर, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, मगरमच्छा जो भी है यार, उससे हमें ये कॉलर पहनाना है, बट यार कैसे पहनाना है वो नहीं पता। ओके तो शायद से मैं सोच रहा हूँ यहीं पे यार ये इंटरेक्ट का ये जो बटन देते हैं यूज़ वाला, उसे ही प्रेस करके देख लेता। ओके तो अपना राफ्ट भी रेडी हो गया विद द ब्लिंक ऑफ एन आई। तो अब शायद इसे हमें घुमाना है। ओके तो हल्का हल्का उठेगा और इसे लगातार घुमाते जाना है, शायद से 2-3 बार से ज़्यादा हम करेंगे तो ये हो जाएगा। ओके काश तो हमने यार इसे खोल लिया। एंड वाह, ये इतना ईजी था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बताओ ये खुद ब खुद आएगा, खुद ब खुद फंस जाएगा, ये हमें स्किप करा देगा। वेट यार, विलन यार, आज तो यार हमारा किस्मत यार ओपी था, हम ग्लिच नहीं कर गए, यही सीधा ग्लिच कर गए। तो गाइस अगर तुम्हें ये गेम प्ले पसंद आया तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, तो आज के इस गेम प्ले वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है किसी अगले गेम प्ले वीडियो में। तब तक के लिए यार तुम ज़्यादा कुछ नहीं, ये कर देना।